last year when I was on a journey to a meeting, I started my menstrual cycle on the way. And even being a very empowered person, somebody who has everything, she's good with her life, I realized that I still don't have access to healthcare. I still don't have access to products that I require every month, which are very essential to me. And from there, I thought that there are countless women out there, very much empowered, yet the taboo and stigma of menstrual hygiene keeps them away from healthcare products. मैं सिर्फ वही लेके मैदान में आई और मैंने सोचा आई नीड टू हेल्प वुमेन. और हमने कोई प्रॉपर रिसर्च इनिशियली की नहीं, बिकॉज जितना हम ढूंढते थे डेटा हमें मिलता नहीं था. तो हेल्थ केयर और वुमेन्स हेल्थ पे हमें डेटा कहाँ से मिलेगा? ऑथेंटिक वाला जो है वो ऑब्सोलीट है. तो द ओनली गुड रिसोर्स जो हमारे पास होते हैं ना, वो हमारी हिम्मत होती है, दैट करेज कि आप रिस्क ले लें और कूद पड़ें. So I went home and I counted my money and I knew that there had to be a solution for it. So Girlythings came out to be, जिसके through हम लोग feminine hygiene products और sanitary napkins और इस तरह के related products खवातीन को घर पर फराहम करते हैं. और we do it with a lot of sensitivity और हम लोग urgent kits भी provide करते हैं in public. क्योंकि मेरा idea एक बहुत feminine idea है, एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है. विद इन दैट कम्युनिटी फीमेल्स के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. अभी तक हमें इक्वालिटी बहुत सारी जगहों पे नहीं मिली, तो वो कहीं ना कहीं जो इस फेमिनिज्म थीम के साथ मिल जाता है ना, तो दैट डज नॉट वर्क इन आर एडवांटेज. टू टॉक टू समवन ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके पास 3 या 4 मिनट होते हैं टू मेक एन इम्प्रेशन. उसमें अगर आप बायोलॉजी समझाना शुरू हो जाए ना, तो यू आर नॉट रियली मेकिंग अ बिजनेस पिच देयर. रोज़ सुबह उठ के ना, आई वुड से कि आज तो मैंने इतनी सेल्स करनी है, और सोने से पहले आई वुड से कि बस कल मैं इस कंपनी को बंद कर रही हूँ. एंड आई रिमेंबर मेरे कमरे में जो बेड है, आई ऑलवेज लुक एट इट एंड आई थिंक कि इस बेड पे बैठ के मैंने अपने लैपटॉप पे काम किया, सब कुछ किया, और उसी बेड पे बैठ के मैं इतना रोई हूँ पिछले साल. जब हम एक यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, हमें वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, हमें नहीं पता हमने वेंडर्स से क्या बात करनी है. ये जितनी भी मेरी लेसन्स थे, कंप्लेंट्स थी, उनको मैंने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो अगली जनरेशन आएगी, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो ख़वातीन होंगी, जो डिसेबल्ड लोग, मार्जिनलाइज लोग होंगे, उनके लिए एक गाइडलाइन होगी. आई वॉज बॉर्न विद अ डिसेबिलिटी, तो ग्रोइंग अप आपको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आपने यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ. तो एक क्राउड में खुद को ढूंढना, खुद को समझना एक इन इटसेल्फ एक मिशन है. सो आई नेवर रियली हेजिटेटेड, आई नीडेड अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू कम फॉरवर्ड. आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू माई फैमिली. दे आर द किंग मेकर्स और द क्वीन मेकर, यू कैन से, बिहाइंड मी. अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन केम फ्रॉम देम. उनका ख्वाब है कि दे वॉन्ट टू सी मी एट अ बेटर प्लेस. वन थिंग मैं जो लाजमी हर इंसान से कहती हूँ कि अगर आपने कुछ करना है ना, तो आपने करना है. आपकी जो रेजिस्टेंस आएगी अगेंस्ट, वो आनी ही आनी है, लेकिन आपने रुकना नहीं है. आई थिंक मेरा लाइफ का मंत्रा है डोंट पॉज. यू हैव टू डू योर वर्क रिगार्डलेस ऑफ योर इमोशनल कंडीशन. सो आई थिंक दैट इज़ स्ट्रेंथ. और हमें ये हिम्मत एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी चाहिए, अगर हमें वाकई में पाकिस्तान को आगे लेके जाना है.